गाइस वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। टाइटल तुम लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा है। मार्च में हो सकता है वो इवेंट जिसका आप लोग वेट कर रहे हो, वो गेम जिसका सभी वेट कर रहे हैं इस साल रिलीज होने का। इस टॉपिक के ऊपर एक्सटेंसिवली बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखने ला, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये उस इवेंट वाली बात पे आने से पहले होराइजन फॉरबिडन वेस्ट की गेम प्ले मैंने क्यों नहीं डाला, क्या मैंने गेम खेली नहीं खेली? भाई मैं देखो झूठ नहीं बोलूंगा, 2.5 घंटे की गेम मैंने खेली है सिर्फ, ज़्यादा नहीं खेल पाया हूँ। बिकॉज यार कुछ ना, अभी यार देखो लाइफ में ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पर्सनल डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं एंड बहुत लोग आप में से समझ जाएंगे। तो अभी यार क्या है कि हर एक की लाइफ में ये स्टेज आती है, तो अभी मेरा पूरा ध्यान उस तरफ है। लेकिन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट से रिलेटेड एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो लोग इस गेम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त गेम है। मैंने भी 2.5 घंटे खेली बट उसके बाद नहीं खेल पाया ज़्यादा। और इसके अंदर ना कुछ लोडिंग स्क्रीन्स आपको कई बार देखने को मिलती होंगी। जब आप फास्ट ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आपको जो कुछ सेकंड्स के लिए लोडिंग स्क्रीन्स देखने को मिलती हैं, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि वो फेक लोडिंग स्क्रीन्स हैं। बेसिकली है क्या कि ये गेम इतनी जल्दी लोड होती है PS5 SSD के ऊपर कि अगर डेवलपर्स वो लोडिंग स्क्रीन ना डालते तो आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगता गेम में वापस जाने में। लेकिन वो जान पूछ के डाली गई हैं ताकि आप लोगों को गेमिंग टिप्स डेवलपर्स जो हैं वो दे सकें। यहाँ पे आप इस आर्टिकल में सब कुछ पढ़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आई वॉन्टेड टू शेयर दिस, मैंने कहा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट से रिलेटेड जो आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप ये गेम खेल रहे हो। मुझे बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में कि PS4 पे एंजॉय कर रहे हो या फिर PS5 पे, और कैसा रहा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस होराइजन फॉरबिडन वेस्ट का। इसके बाद बात कर लेते हैं एल्डन रिंग की। भाई ये गेम लॉन्च हुई है और धमाकेदार लॉन्च। PC, PlayStation, Xbox वाले दबा के एंजॉय कर रहे हैं। तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी अच्छी चल रही है। PC के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसके डेवलपर्स ने बोल दिया है कि हम बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। अगर आपको कोई थोड़ी बहुत बग्स वगैरह आ रहे हैं पुराने GTX कार्ड्स के ऊपर तो वो भी आपको पैच देखने को मिल जाएगा। बट स्टिल गेम इज़ वेरी मच प्लेएबल, आप इन्जॉय कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन बता देना कौन से प्लेटफॉर्म पे एल्डन रिंग तुम लोग खेल रहे हो और क्या मैं इस गेम को परचेज करूं या नहीं, एक रेकमेंड कर देना बिकॉज मैंने इसको परचेज नहीं करा है। अच्छा, इसके बाद आते हैं जो ह्यूज प्ले स्टेशन इवेंट होने वाला है इन मार्च। अब मैं बात कर रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के लिए, और मुझे लगता है कि ये स्टेज सेट हो रहा है बिकॉज अब एक बहुत बड़ी रिलीज जो होराइजन फॉरबिडन वेस्ट थी प्ले स्टेशन की तरफ से वो होके ख़त्म हो चुकी है। अब एक और रिलीज बची है वैसे तो ग्रैंड टूरिज्मो, जो कि आप शॉप एट सोनी सेंटर की वेबसाइट पर देख सकते हो। इसका रिलीज डेट मतलब यहाँ पे आप प्री ऑर्डर भी कर सकते हो। तो ये भी इसके बाद बेसिकली एक मेजर रिलीज जो है वो है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, जो PS4 और PS5 दोनों पे ही आनी है। लास्ट गेम होने वाली है मेरे ख्याल से जो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आएगी, जो मतलब एक्सक्लूसिव इतने बड़े लेवल की जो गेम होगी। और इसी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ट्वीट, अब बोला जाता है कि यार टॉम हेंडरसन जानते हो आप लोग के बहुत बड़ा नाम और लीक्स के मामले में बहुत बार इसका नाम सामने आता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, नॉट अ स्कूप और एनीथिंग बट श्योरली प्ले स्टेशन हैज़ टू बी डूइंग समथिंग इन मार्च, देयर इज टू मेनी थिंग्स अलाइनिंग दैट सजेस्ट इट्स प्रोबेबली द केस। तो निक ने इसको ट्वीट करके लिखा है, हैप्पी टू ऐड व्हाट्स ऑलरेडी आउट देयर, यस दे हैव गॉट अ शो इन मार्च, दिस इज सपोज टू बी द गुड वन। तो मार्च के अंदर अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी प्ले स्टेशन ब्लॉग पोस्ट पे। और बात करें प्ले स्टेशन ब्लॉग पोस्ट पे मार्च 2022 की PS Plus गेम्स की, तो बहुत महीनों बाद भाई मतलब मन खुश हो गया ये गेम्स देख के। क्या कहना है यार आपका इसके बारे में, मतलब इतने महीनों बाद लिटरली लग रहा है कि ये वो गेम्स हैं जिसके लिए आप PS Plus लिटरली परचेस कर सकते हो अगर आपने PS Plus सर्विसेज नहीं ली हैं। इससे पहले के जो PS Plus वाली गेम्स थी कुछ महीनों से मैंने एक बार भी नहीं बोला कि उन गेम्स के लिए आप PS Plus लो, बट दीज फोर गेम्स आर रियली रियली गुड। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो एक नई चीज़ आई है ना, मतलब नई ये चार गेम्स आई है ना, ऐसी ही गेम्स आपको आने वाले अप्रैल में जून जुलाई चारों पाँचों महीनों में आने वाले पूरे साल ही मिले यार, तभी मज़ा आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चार गेम्स इस महीने तो अच्छी दे दी, अब इसके बाद से फिर वही फीकी सी गेम्स आ जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इसके कंपेरेटिवली इस बारी जो मार्च की गेम्स विद गोल्ड की लाइनअप है एक्सबॉक्स की वो थोड़ी सी फीकी है, बट यार गेम्स विद गोल्ड इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती बिकॉज एक्सबॉक्स के पास है OG गेम पास, तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना।
बाकी गेम्स विद गोल्ड हमेशा से अच्छी आती रही हैं, तो एक आधा महीना ये भी कभी कभी बेकार गेम्स दे ही देते हैं, विच इज़ टोटली फाइन। और एक्सबॉक्स की ही बात मैं करूँ तो यहाँ पे ट्विच हैज़ रिटर्न टू एक्सबॉक्स डैशबोर्ड, जो गायब हो चुका था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आप ट्विच पे बहुत सारे स्ट्रीमर्स को फॉलो करते हो। फाइनली यू कैन डाउनलोड इट बैक ऑन एक्सबॉक्स। और हाँ यार देखो, सॉरी फॉर दैट, Feb 22 का जो रीस्टॉक था PlayStation 5 का, उसकी जानकारी मैं आप लोगों को नहीं दे पाया, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया कि मैं कुछ पर्सनल चीज़ों में लाइफ में बिजी हूँ। तो यार ये पहली बार हुआ है कि रीस्टॉक की इन्फॉर्मेशन मतलब मैं टाइम पे आप लोगों को नहीं दे पाया। कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में जो भी रीस्टॉक्स होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बट यार मुझे एक बात बताओ, जेन्युइनली अभी भी क्या कुछ लोग हैं जिनको अभी तक PlayStation 5 नहीं मिला, जो लेना चाहते थे फ्रॉम द डे वन? मतलब आप तब से ट्राई कर रहे हो जब से PlayStation 5 इंडिया में लॉन्च हुआ है और आप ले ही नहीं पाए हो 2021 के स्टार्टिंग से? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या ऐसा है, अभी भी कोई ऐसा है कि जो बहुत बार ट्राई कर चुका है और बिल्कुल भी नहीं मिला? मेरे ख्याल से तो नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपको रिसेंटली आपने मन बनाया हो PlayStation 5 लेने का, उन लोगों को हो सकता है ना मिला हो, बट जो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेना चाहते थे, आई थिंक इतनी सारी सेल्स आई हैं भाई, कहीं ना कहीं तो आपका लक काम किया ही होगा। और अगर नहीं किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, एंड आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट रीस्टॉक की कोई भी न्यूज़ आएगी वो मैं आपको दे दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थोड़ी लेट नाइट में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन बस आप लोगों से यार ये बात शेयर करनी थी, बिकॉज मुझे भी पता है बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए और अभी भी थोड़ा सा बिजी ही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसी एक और ज़बरदस्त वीडियो में होपफुली बहुत जल्दी। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।